अखाड़ा में आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से, जहां कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर बड़ी खबर आ रही है। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। शशि थरूर ढोल नगाड़े के साथ नॉमिनेशन के लिए पहुंचे थे और अब तस्वीरें आ रही हैं सामने, जहां थरूर खुद बैठे हुए हैं नामांकन भरते हुए। अब अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शशि थरूर के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने नामांकन भरने से अब अपना प्लान बदल दिया है। ये कहा है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते। शशि थरूर ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि अब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और वो उम्मीद करते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इस चुनाव को लड़ा जाएगा। लेकिन पिछले 24 से 36 घंटों में बहुत ड्रामा देखने को मिला है। पहले अशोक गहलोत पीछे हट गए, उन्होंने कहा कि मेरे लिए राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं वहीं पर फोकस अपना रखूँगा। वहीं दिग्विजय सिंह ने 10 पर्चे लिखे लिए, लेकिन उसके बाद 10 सेट लेने के बाद आज सुबह ये कह दिया कि अब मैं पीछे हट रहा हूं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आगे आ गए हैं और खड़गे साहब के खिलाफ मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। वहीं ढोल नगाड़े बजाते हुए शशि थरूर नामांकन भरने के लिए सामने आए हैं। इससे पहले कांग्रेस के कई सारे वक्ताओं ने अपना पोजीशन साफ कर दिया था। जब गहलोत बनाम शशि थरूर की सिचुएशन थी, ये कहा था कि अशोक गहलोत और ज़्यादा गुणी हैं और ज़्यादा उनके पास तजुर्बा है और उन्होंने पोजीशन ले लिया था। गौरव वल्लभ कांग्रेस के थे जिन्होंने पोजीशन लिया था, लेकिन अब ये थरूर बनाम खड़गे होगा, इसमें किसका पलड़ा भारी होगा और किसका सपोर्ट किसको जाएगा? G23 के खेमे में क्या क्या बात हो रही है? रश्मि इस वक्त हमारे साथ।